हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनडीटेल एएम टैबलेट के बारे में, जो कि इस टैबलेट को कैसे हम सीओ में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, कैसे का प्राइस है, कैसे यूज करना है और कैसे का साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये एनडीटेल एएम टैबलेट जो कि जायडस हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 274 रुपए है, जो कि 15 टैबलेट अवेलेबल है। दोस्तों ये आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं टेलमिसर्टन 40 mg एंड एम्लोडिपिन 5 mg। दोस्तों इस दवा को कई समस्याओं में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। इस दवा को हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए प्रयोग की जाती है। जिन पेशेंट के ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उनको ये टैबलेट दी जाती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल में रहे। जिन पेशेंट के ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे कि आर्टरीज और हार्ट है तो उस पर वर्कलोड ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब कि उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ी रहती है तो उसमें आर्टरीज और हार्ट सही से काम करना बंद कर देती है, जिससे कि ब्रेन के ब्लड वेसल्स वो डैमेज होने लगती है और साथ ही साथ हार्ट किडनी भी डैमेज होने लगती है और स्ट्रोक की समस्या, किडनी फ्लोर की दिक्कत, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ब्लड प्रेशर को ठीक करना जरूरी होता है। हमेशा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पर रहना चाहिए। तो जिन व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो डॉक्टर इन दोनों कॉम्बिनेशन की दवा देते हैं, जिससे कि ब्लड प्रेशर सही रहे। तो इस दवा को इन प्रॉब्लम में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, यूज कैसे करें। तो इस दवा को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट के एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं कि पेशेंट को कब से प्रॉब्लम है, कितना बीपी बढ़ा रहता है, तो उनके अकॉर्डिंग देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडल्ट को एक टैबलेट दिन में एक बार ली जाती है, बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस दवा के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बार दफा यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे कि स्वेलिंग, पेन, खांसी, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये था आज हमारी वीडियो इंडिटेल एएम टैबलेट के बारे में। और इस तरह के टैबलेट में और भी कई कंपनी के टैबलेट अवेलेबल है, जैसे कि टैलमिकाइंड एएम टैबलेट, टैलवास एएम टैबलेट, टैलप्रेस एएम टैबलेट, एमलोंग TL40 टैबलेट। तो इनमें से कोई सा भी टैबलेट आप परचेज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।